हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। स्वागत है आप सभी का स्टे मैजिकल पे। मेरा नाम है वैशाली एंड आज हम करने वाले हैं एक डिफरेंट पिक कार्ड रीडिंग, दैट व्हाट डू यू नीड टू नो राइट नाउ। क्या चीज़ है जो आपको अभी जानने की ज़रूरत है यहाँ पे। एंड यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए थ्री कार्ड्स निकाले हैं। दिस इज कार्ड नंबर वन, दिस इज कार्ड नंबर टू एंड दिस इज कार्ड नंबर थ्री। जहाँ से भी आपको इंट्यूटिवली फील हो रहा है ना, या नॉर्मली लग रहा है कि नहीं मुझे ये वाला कार्ड चूज करना चाहिए, आप वो कर लीजिए। एक से ज्यादा चूज करने का मन करता है तो आप वो भी कर सकते हैं। और ये कौन से कार्ड की रीडिंग कब से स्टार्ट होगी उसका टाइम जो है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड इफ यू आर न्यू टू माई चैनल, वेलकम हेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आर चैनल। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर वन, तो जिन भी लोगों ने फोर ऑफ कप्स का कार्ड चूज किया है, चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग। एंड लेट मी जस्ट शफल द कार्ड्स फॉर यू। टिल देन व्हाट यू कैन डू इज, जिस भी एनर्जी में आप बिलीव करते हैं उनके बारे में सोचिए, उनको याद कीजिए और उनसे पूछिए कि ऐसी क्या चीज है जिसको अभी आपको जानने की जरूरत है। चीजें ने जानने की जरूरत है पाइल नंबर वन को। वी हैव द कार्ड ऑफ सन एंड वी हैव द कार्ड ऑफ डेथ। यू वॉन्ट बिलीव, जब मैं कार्ड शफल कर रही थी ना, तो पाइल नंबर टू और थ्री के कार्ड मैंने पहले निकाल लिए थे एंड फर्स्ट का बाद में निकालना था, तो पहले मुझे डेथ कार्ड दिखाई दिया। मैं देन आई थॉट कि नहीं, मुझे दोबारा कार्ड शफल करने चाहिए, तो फोर ऑफ कप्स आया एंड देखो डेथ कार्ड दोबारा आ गया। ओके, सो बहुत ही मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों की लाइफ में, जीवन में चल रही है, क्योंकि यहाँ पे दो मेजर कार्ड्स आए हैं, डेथ और सन कार्ड। डेथ का कार्ड मुझे दिखा रहा है एंड साथ में फोर ऑफ कप्स भी है कि आपकी लाइफ में ना, आप कोई चीज़, आपकी डिजायर थी, कोई विश थी या कुछ आपने प्लान किया था जो आप चाहते थे कि वो हो जाए, बट सडनली एकदम से कुछ ऐसा हुआ कि आपकी लाइफ में वो सारी चीज़ बिखर गई। कुछ भी हो सकता है, वो करियर हो सकता है, कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कोई आपने प्लानिंग कर रखी थी लाइफ को लेके, कोई भी चीज़ थी वो ऐसी जो आप चाहते थे दिल से कि हो, और आपको बहुत उम्मीद भी थी, हो सकता है वहां तक पहुंच भी गए थे। सपोज कि आपको कोई जॉब मिल गई एंड यू वर रियली हैप्पी, बट सडनली इट हैपन कि चीज़ें बहुत ख़राब हो गई एंड यू वर सो शॉक्ड कि आपको नहीं पता था कि एकदम से ऐसा कुछ हो जाएगा। एंड यू आर ऑल्सो फीलिंग शैटर्ड, मतलब कि आप बहुत ज़्यादा अपसेट हो कि यार ये क्या हो गया, क्यों हो गया, ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था। और आप लाइफ में, आपको जो कुछ भी आसपास आपके है ना, वहां पर आप फोकस नहीं कर पा रहे हो, मीन्स कि आपको उस चीज़ से मतलब ही नहीं है, बिकॉज यू आर वेरी स्ट्रेस्ड कि जो चीज़ चाहिए थी वो आपको नहीं मिली है, उस प्लान के हिसाब से नहीं हुई, तो आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड है इस बात से। एंड अगेन डेथ कार्ड यहाँ पे ग्रीफ भी दिखाता है, तो हो सकता है कि कोई आपका क्लोज्ड वन था जो आपसे बहुत दूर चला गया है, या वहां पर आपकी चीज़ें बिल्कुल खत्म हो गई हैं एंड यू आर रियली अपसेट अबाउट इट कि ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि डेथ ना हमेशा एट्थ हाउस के बारे में बात करता है, स्कॉर्पियो साइन के बारे में बात करता है, एंड अभी जो जुपिटर का ट्रांजिट चल रहा है वो हर किसी के स्कॉर्पियो साइन पे एस्पेक्ट कर रहा है, एंड सैटर्न भी कर रहा था, ऑल्दो सैटर्न इज रेट्रोग्रेड राइट नाउ। तो समवेयर ट्रांसफॉर्मेशन इस टाइम हर किसी की लाइफ में चल रही है, ऑल्दो हाउसेज अलग है, वहां पे प्लैनेटरी पोजिशंस अलग है, तो वो चीज डिफरेंट हो सकती है। तो इफ यू वॉन्ट अ पर्सनल रीडिंग, वो आप करा सकते हैं एस्ट्रोलॉजी रीडिंग मुझे मेरी व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके। एंड उसी वजह से ना, यू आर गोइंग थ्रू सम काइंड ऑफ अ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, बट वी ऑल्सो हैव द सन कार्ड ओवर हियर। अभी आपको क्या लग रहा है कि लाइफ में कुछ नहीं बचा है, यू आर सो मच इनटू योर पास्ट एंड योर फ्यूचर कि जो कुछ भी अभी आपके पास लाइफ में है ना, आप उसको लेके बहुत ग्रेटफुल नहीं हो, एक ग्रेटिट्यूड नहीं है, जो कि हर किसी की लाइफ में होता है एक टाइम पर, जहाँ पर भी फील कि बेशक हमें खाना मिल रहा है, पहनने को कपड़े मिल रहे हैं, सर पे छत है, बट वी नेवर अप्रिशिएट दोज थिंग्स। वाई? क्योंकि वो चीज़ें हमसे कभी दूर नहीं हुई हैं। जब कोई चीज़ हमसे छिन जाती है ना, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी रियलाइज कि वो चीज़ कितनी ज़रूरी थी या कितनी इंपॉर्टेंट थी, फिर हमको उसकी कदर पता चलती है। तो अभी आपकी लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, दोस्त हो सकते हैं, रिलेटिव हो सकते हैं, कोई भी फ्रेंड हो सकता है या फैमिली हो सकती है, आसपास ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट है, वो ऐसी चीज़ें हैं जो शायद हर किसी के जीवन में नहीं होती है, बट स्टिल आप उस पर बहुत ज़्यादा भी फोकस नहीं कर पा रहे। ओके, वी ऑल्सो हैव द कार्ड ऑफ सन ओवर हियर। तो व्हेनेवर वी हैव द कार्ड सन, सन हमेशा दिखाता है एक रोशनी की किरण जो आपकी लाइफ में आ रही है।
तो अगर सही भाषा में कहूँ तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है दैट समवन इज कंप्लीटिंग अ साइकिल रिलेटेड विद द पास्ट लाइफ एंड नाउ दे आर मूविंग फॉरवर्ड. द सोल इज फीलिंग फ्री राइट नाउ. ऑल दो ईगो है जिस वजह से आप सैड हो अपसेट हो, बट जो सोल है अंदर से वो किसी चीज को रिलीज करके आगे बढ़ रहा है. एंड सोल इज हैप्पी एंड इट इज गोइंग टू बी हैप्पी अलॉट. एंड सन ऑल्सो टॉक्स अबाउट सम काइंड ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटी इज गोइंग टू कम इन योर लाइफ. देखो लाइफ में ना ऐसा बहुत बार होता है जो मैंने बहुत लोगों की लाइफ में देखा अपने आसपास की आप किसी रिलेशनशिप में थे वहां पर आपको किसी ने बिट्रे किया धोखा दिया एंड सडनली बिकॉज ऑफ दैट आप इतने अपसेट हो गए कि आपने सिटी बदल ली या आपने वो जगह बदल ली या कुछ ना कुछ बहुत मेजर चेंज कर लिया. स्टार्टिंग में आप बहुत परेशान रहे बट आफ्टर 1 ईयर चीज़ें बनने लग गई, आफ्टर 6 मंथ चीज़ें बनने लग गई एंड देन यू रियलाइज कि अगर वो इंसान आपकी लाइफ में नहीं आता तो आप वहाँ ग्रो नहीं कर पाते या उस डायरेक्शन में आप पहुँच ही नहीं पाते. राइट, उस तरीके से आप नहीं ग्रो करते, उस तरीके से आप इवॉल्व नहीं होते. वो कोई भी चीज़ हो सकती है, ज़रूरी नहीं है रिलेशनशिप हो, इट कैन ऑल्सो बी सम काइंड ऑफ योर करियर. आप किसी करियर में थे, आप परेशान हुए या कुछ ना कुछ मेजर चेंज शिफ्ट आया, आपको लग रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, बट वो आपको उस मजबूरी में उस डायरेक्शन में ले गया जो आपके लिए ज़रूरी था. बिकॉज वहाँ से आई एम सीइंग अ सक्सेस इज कमिंग इन योर लाइफ, लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज आर कमिंग इन योर लाइफ. ओके लेट मी पुल वन मोर कार्ड फॉर यू. फाइल नंबर 1 के लिए वी हैव द कार्ड ऑफ सेक्रल चक्र. अगेन वी हैव अ वेरी स्ट्रांग एनर्जी ऑफ सन ओवर हियर. सो सेक्रल चक्र यहाँ पर बात करता है फोकसिंग ऑन योर क्रिएटिविटी एंड बिल्डिंग कॉन्फिडेंस. हो सकता है आपको लाइफ में लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज किया हो बट नाउ यू आर गोइंग टू गेन इनर स्ट्रेंथ इन योर लाइफ. एंड सेक्रल चक्र मुझे यहाँ पर ये भी दिखा रहा है दैट समवन इज वर्किंग ऑन देयर पर्सनैलिटी एंड इम्प्रूविंग देयर पर्सनैलिटी. पर्सनैलिटी में आपकी एक चेंज आ रहा है, आपके ऑरा में चेंज आ रहा है. यू आर बिकमिंग मोर कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ. क्योंकि देखो बहुत बार लाइफ में ऐसा होता है कि हमको फियर होता है कि ये चीज़ लाइफ से चली ना जाए, बट जब वो चीज़ लाइफ से चली जाती है ना तो एक वो जो अनसर्टेनिटी का जो फियर होता है ना कि अब क्या होगा और क्या नहीं होगा, कहीं ना कहीं वो चला जाता है. एंड देन कम्स द रियल पावर और हम कहेंगे इनर स्ट्रेंथ, वो फिर उभर के आती है. और वही चीज़ मुझे आपकी लाइफ में यहाँ पर दिख रही है विच इज कमिंग इन योर लाइफ. वाओ, वी हैव द कार्ड ऑफ न्यू बिगनिंग पाइल नंबर 1 एंड डिसेप्शन एंड एनवी. हो सकता है किसी ने आपको चीट किया हो या किसी ने आपको कुछ ऐसा किया हो जो आप नहीं सोचा था कि ऐसे भी दुनिया में लोग होते हैं. बट विद दिस कार्ड ऑफ न्यू बिगनिंग अगेन, जैसे मैंने आपको कहा कि जो भी ये इंसान था या जो भी ये सिचुएशन थी जिस वजह से आप बहुत मेंटल कन्फ्लिक्ट में हो या रहे हो, वी ऑल्सो हैव द नंबर 7 विच टॉक्स अबाउट K2 विच टॉक्स अबाउट अगेन योर पास्ट लाइफ. समथिंग जो आपको रिलीज करना था बहुत ज़रूरी था वहाँ से. बेशक आपको मेंटल कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं बट एक डिटैचमेंट भी हुई है जो आपको उस डायरेक्शन में ले जा रही है जो आपके डेस्टिनी में लिखा है, जहाँ से यू आर गोइंग टू गेट सक्सेस एंड स्टेबिलिटी इन योर लाइफ. बिकॉज वी ऑल्सो हैव द नंबर 2 ओवर हियर. तो मुझे वो एक स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में और बैलेंस आते हुए दिखाई दे रहा है यहाँ पे पाइल नंबर 1. लेट्स सी कि गाइडेंस क्या है आपके लिए. एंड अगेन इफ यू आर न्यू टू माई चैनल और अगर ये रीडिंग आपसे मैच करती है तो कमेंट सेक्शन बॉक्स के थ्रू मुझे ज़रूर ज़रूर बताइएगा. आपके जो कमेंट्स होते हैं, जो मैसेजेस होते हैं, पढ़ के मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है, बहुत पॉजिटिव फील होता है. एंड इट एक्चुअली मेक्स मी फील कि यहाँ पर भी ऐसे लोग हैं विद हुम आई कैन कनेक्ट. बेशक हम मिले हैं या नहीं हैं बट एनर्जेटिकली भी होता है दैट यू फील रियली गुड एंड पॉजिटिव अबाउट इट. सो या अगर ऐसा कुछ हो तो डू लेट मी नो प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज हमें बताइए क्या मैसेज है इनके लिए. सक्सेस, आई टोल्ड यू वी हैव द कार्ड ऑफ ट्रस्ट. यू नीड टू ट्रस्ट पाइल नंबर 1. बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि आप ट्रस्ट करें बिकॉज थिंग्स आर वर्किंग इन योर फेवर. मे बी करेंटली यू आर अनेबल टू सी दैट बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू नॉट टू वरी टू मच अबाउट इट. बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज यू आर गोइंग इन अ वेरी पॉजिटिव डायरेक्शन. बट यस, यहाँ मुझे जो दिख रहा है कि स्ट्रेंथ की जरूरत है, एक इनर स्ट्रेंथ की जरूरत है. इनर स्ट्रेंथ का मतलब बेसिकली क्या हुआ कि आप अपने अंदर विश्वास रख रहे हैं कि जो कुछ भी मेरी लाइफ में हुआ है स्टिल इन चीज़ों की वजह से मैं एक गलत डायरेक्शन में नहीं जाऊँगा, नेगेटिविटी में नहीं जाऊँगा कि मैं अपनी लाइफ को लेकर बिल्कुल नेगेटिव हो जाऊँ, होपलेस हो जाऊँ कि अब मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होगा, सब कुछ खराब हो चुका है, कुछ हो भी लाइफ में तो मैं उसको लेके भी नेगेटिव सोचूँ. नहीं, आप
के लिए इम्पॉर्टेंट है दैट यू शुड गो इन टू दैट एनर्जी कि जो हुआ सो हुआ, ठीक है मैंने बेशक बहुत दिमाग लगाया हो या मेरी उस टाइम गट फीलिंग इंट्यूशन कह रही थी कि ये बिल्कुल ठीक है, बट नाउ इट इज़ नॉट अ टाइम टू फील गिल्टी एनी मोर. जो होना था वो हो चुका है. हर एक चीज़ हमारे हाथ में नहीं होती है, बट आई एम मूविंग इन अ डायरेक्शन जिसमें मैं ट्रस्ट करता हूँ या करती हूँ, क्योंकि ये मेरी डेस्टिनी है और मैं एक सही दिशा में या सही जगह में ही जा रहा हूँ या जा रही हूँ. ओके, सो या दिस इज़ ऑल व्हाट आई एम सीइंग फॉर यू गाइज. आई होप कि आपको अच्छा लगा हो या सुन के एक पॉजिटिव फीलिंग आई हो, और ऐसा हो तो लाइक कर देना वीडियो, शेयर कर देना बाकी लोगों से, हो सकता है किसी और के काम भी आ जाए. एंड अगेन इफ़ यू वॉन्ट अ पर्सनल पेड रीडिंग डेफिनेटली यू कैन बुक दैट. यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम, उसका आपको यहीं पर ही आई एम श्योर प्रोफाइल आईडी दिख रहा होगा. सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय, टेक केयर. हेलो पायलम टू, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल. सो लेट मी स्टार्ट योर रीडिंग. तो ये कर रही थी मैं एनर्जी क्लियर. आई एम सो सॉरी अगर आपको बहुत जोर से आवाज सुनाई दी हो. ओके, सो आई एम शफलिंग योर कार्ड्स एंड टिल देन यू कैन थिंक अबाउट गॉड, यूनिवर्स, जिसमें भी आप बिलीव करते हैं, जिस भी एनर्जी में बिलीव करते हैं, उनसे पूछिए कि ऐसी क्या चीज़ है जिसको अभी मुझे जानने की बहुत ज़रूरत है. आंखें बंद करिए, रिलैक्स करिए, ये चीज़ पूछिए. तब तक मैं आपके कार्ड्स निकाल रही हूँ यहाँ पे. प्लीज हनुमान जी, प्लीज हमें बताइए क्या ऐसी चीज है जो इनको अभी जानने की जरूरत है. व्हाट डू दे नीड टू नो राइट नाउ. वी हैव द कार्ड ऑफ टावर. ओके, वी हैव द कार्ड ऑफ नाइन ऑफ सॉर्ड्स. वी हैव द कार्ड ऑफ नाइट ऑफ वॉन्ड्स. And we have the card of Wheel of Fortune. Okay. And there's one more thing, pile number two. If you are new to my channel, don't forget to subscribe our channel and become a part of our family. Okay. So, pile number two, आपकी जो energy मुझे दिखाई दे रही है कि आप किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा या तो confused हो या आपको ऐसा लग रहा है कि life में बहुत ज़्यादा clarity नहीं है. जो चीज़ चाहते हो वो आपको मिलती नहीं है, जो मिलती है वो आपको पसंद नहीं आती. थोड़ी सी specific reading है, थोड़ा सा पेशेंस रख के सुनेगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे थोड़ा सा पेशेंस की कमी भी लग रही है विद सम पीपल. कुछ लोगों के साथ ये हो सकता है, बट दैट्स ओके. हर किसी की लाइफ में वो टाइम आता है, तो आई एम नॉट जजिंग यू. इवन यू डोंट नीड टू जज योर सेल्फ बिकॉज दैट्स टोटली फाइन. यहाँ जो मुझे दिखाई दे रहा है वो ऐसा लग रहा है कि आपको अपनी लाइफ में हो सकता है एक साइकिल या पैटर्न फील हो रहा है, जहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि लाइफ में ना कुछ अच्छा नहीं हो रहा है. लाइफ में जो चीज़ें यहाँ पे बन रही है, या आई वॉज सेइंग कि हो सकता है कि आपको लाइफ में ऐसा फील हो रहा है कि कोई पैटर्न जो है लाइफ में बहुत टाइम से रिपीट हो रहा है. हो सकता है रिलेशनशिप में हो रहा हो कि आपके रिलेशनशिप में आप बहुत कोशिश कर रहे हो, यू आर पुटिंग लॉट ऑफ एफर्ट, स्टिल यू आर अनेबल टू यू नो टू मेंटेन सम काइंड ऑफ बैलेंस इन योर लव लाइफ. या आपको जो रिलेशनशिप में चाहिए चीज़ वो मिल नहीं रही है, या आप किसी इंसान को पसंद करते हो लेकिन उस इंसान की तरफ से वो चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं. ओके, फॉर अदर्स आई एम ऑल्सो फीलिंग दिस कैन बी अबाउट योर जर्नल लाइफ, जहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है कि जर्नली लाइफ में कोई ऐसा टाइम चल रहा है जहाँ पर बहुत अप एंड डाउन चल रहे हैं. यहाँ पे कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि यहाँ पे आप लोगों की सेकेंड लॉर्ड या सेकेंड हाउस की महादशा अंतरदशा चल रही हो, या फिर इट इज रिलेटेड विद योर एट्थ हाउस और ट्वेल्थ हाउस. दैट कैन ऑल्सो पॉसिबल. आठवें बारहवें घर से रिलेटेड हो सकती है, या राहू का कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट रोल चल रहा है राहू केतु का, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसी दशा चल रही है जहाँ पर एक काफी उतार चढ़ाव आपकी लाइफ के अंदर आ रहा है. ठीक है, इफ यू वांट टू नो इन डिटेल व्हाट एग्जैक्टली दशा इज गोइंग ऑन इन योर लाइफ एंड हाउ इट इज अफेक्टिंग यू, फॉर दैट यू कैन बुक अ पर्सनल पेड रीडिंग. उसके अलावा मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं और डिटेल्स ले सकते हैं. यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम फॉर दैट. सो या आई वॉज सेइंग कि यहाँ पे मुझे कुछ ना कुछ ऐसी दशा दिख रही है जहाँ पर यू आर ऑल्सो फीलिंग आइसोलेटेड. आपको या तो आइसोलेशन में रखा जा रहा है जहाँ पर यू आर फीलिंग लोनली, या इट कैन ऑल्सो हैपन दैट समवेयर यू डोंट वॉन्ट टू कनेक्ट विद लॉट ऑफ पीपल. लाइफ में ऐसा होता है ना कि हम इतने अपसेट हो जाते हैं कुछ चीज़ों को लेके कि हमको थोड़ा टाइम के लिए ना रेस्ट चाहिए होता है. वी वॉन्ट टू हील. हमें उस टाइम वो चीज़ समझ नहीं आती कि हमें ऐसा क्यों फील हो रहा है, बट होता है ना कभी कभी कि लोगों से मिलने का मन नहीं करता, बात करने का मन नहीं करता, आसपास लोग हैं तो बहुत इरिटेशन होती है. बट अगेन ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जहाँ पर हम उनको इग्नोर नहीं कर सकते हैं. यू नो कहीं ना कहीं बहुत बार ऐसा होता है कि आपको सोशलाइज करना पड़ता है, बेशक आप चाहो या नहीं चाहो, एंड समवेयर वहाँ पे आपके लिए रुकना मुश्किल हो जाता है या
बैठना मुश्किल हो जाता है, दैट कैन हैपन. सो दिस कार्ड समथिंग लाइक दिस इज हैपनिंग इन टू योर लाइफ, बिकॉज टावर का कार्ड मुझे यहाँ पे दिखा रहा है कि अचानक से आपकी लाइफ में कुछ चीज़ शैटर हुई है. टावर हमें ये भी दिखाता है कि हमारी कुछ सोच थी या कुछ माइंडसेट था कुछ चीज़ों को लेके, कि सपोज हम ये सोचते हैं कि ये चीज़ ऐसे होगी और वो चीज़ ऐसे होगी और नॉर्मली ऐसे चल रही है तो ऐसे ही होगी, बट बहुत बार लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती है कि सब कुछ उथल पुथल हो जाता है और फिर लगता है कि यार ये क्या हो गया है और अब करना क्या है, ये पता ही नहीं होता कि एग्जैक्टली क्या करना है. या हम उस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं, हम अपनी कोई डिज़ायर पूरी करना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन ये समझ ही नहीं आता कि वो करना कैसे है, राइट? तो दिस इज़ वॉट इज़ हैपनिंग इन टू योर लाइफ राइट नाउ. वी हैव द कार्ड ऑफ नाइट ऑफ वॉन्ड्स. आप चीज़ों को ना चेंज करना चाहते हो, बदलना चाहते हो, बट एट द सेम टाइम यू आर अनेबल टू अंडरस्टैंड कि वो होगा कैसे, वो करना कैसे है, राइट? दिस इज़ वॉट आई एम गेटिंग. लेट मी सी प्लीज़ हनुमान जी, वॉट डू यू नीड टू नो राइट नाउ. We have the card of the universe over here. We have the card of destiny over here. And love begins. Okay. तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रही है पाइल नंबर टू के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वट एवर इज हैपनिंग ये आपकी डेस्टनी के हिसाब से हो रहा है. तो पहले तो शांत हो जाओ पाइल नंबर टू. अगर आप बार बार अपने आप से ये पूछ रहे हो कि वो क्यों हो रहा है मेरे साथ, हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तो ये यहाँ पर आपकी डेस्टिनी के हिसाब से हो रहा है. एंड समवेयर यूनिवर्स का कार्ड मुझे दिखा रहा है एक सोल एग्रीमेंट, कि इस प्लैनेट पे आने से पहले आपका सोल ये डिसाइड करके आया है कि ये लेसन्स मुझे इस लाइफ में सीखने हैं. एंड दिस इज व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग इन टू योर लाइफ राइट नाउ. विद दिस कार्ड ऑफ लव बिगिंस, व्हाट आई एम सीइंग, व्हाट एवर इज हैपनिंग इन टू योर लाइफ, इट एक्चुअली हेल्पिंग यू टू बिकम मोर कंपैशनेट टुवर्ड्स योर सेल्फ एंड टुवर्ड्स अदर पीपल. कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन हुई है जो मुझे आप कमेंट सेक्शन बॉक्स के थ्रू ज़रूर बताएंगे, बिकॉज आई एम सीइंग कि एक सिचुएशन आपकी लाइफ में ऐसी अभी हुई है जिससे कि आप ना बहुत ज़्यादा कंपैशनेट हो गए हैं दूसरे लोगों को लेके, अपने आप को लेके, मतलब कि आपने लोगों को जज करना बंद कर दिया है, बिकॉज यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि यार हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, ऐसी सिचुएशंस होती हैं, और जो वो बिहेव कर रहा है या जो कुछ भी उसकी लाइफ में चल रहा है तो कुछ ना कुछ उसकी लाइफ में ख़राब हुआ है. तो अब आप लोगों को ना बहुत एक्सट्रीम लेवल पर जज नहीं कर रहे हो, आपके अंदर एक कंपैशन आ गया क्योंकि आपको समझ में आ गया है कि हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, कुछ ना कुछ उथल पुथल हर किसी की लाइफ में है. तो हम सामने वाले को बहुत ज़्यादा जज करें या उससे बहुत एक्सट्रीम लेवल पर एक्सपेक्ट करें, दैट इज़ नॉट पॉसिबल. हर किसी के अपने कर्मा है, हर किसी का अपना माइंडसेट है, अपनी सोच है, अपनी प्रॉब्लम्स है, सबका कुछ ना कुछ चल रहा है. तो वहाँ पर मुझे कंपैशन दिख रहा है आपकी लाइफ के अंदर. लेट्स सी और क्या स्पेशल मैसेज है, व्हाट डू दे नीड टू नो राइट नाउ. वाओ, वी हैव द कार्ड ऑफ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव द कार्ड ऑफ टेम्परेंस. अब आई है कुछ जबरदस्त पॉजिटिव चीजें यहाँ पे. तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मुझे दिखा रही है कि यहाँ जो एक सेल्फ लव आपके अंदर आ रहा है, जो कि आप बहुत जगह सुनते होंगे और बहुत फेडअप भी हो चुके होंगे कि यार हर कोई सेल्फ लव के बारे में बात करता है, आई टोटली अंडरस्टैंड दिस थिंग, बट वट एवर इज हैपनिंग राइट नाउ, मैं टैरो कार्ड रीडर हूँ, मेरा काम है आपको बताना, तो मैं आपको ये चीज़ बताऊंगी. क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इज गिविंग मी दिस इंडिकेशन, नो मैटर आपका क्या जेंडर है, ठीक है. क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मुझे यहाँ पर दिखा रहा है कि आपके अंदर से ना आई एम सीइंग दिस फायर एनर्जी, समवन हु इज फीलिंग कॉन्फिडेंट. अब आपने अपने आप से प्यार करना शुरू कर दिया कि बेशक ये दुनिया मुझे एक्सेप्ट करे या ना करे, बहुत हो चुका है. आई लव माई सेल्फ, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ. मैं अब दूसरों चीज़ों पे अपने वैल्यू नहीं डालूंगी, कि मीन्स कि अगर मैं अपने करियर में अच्छी होंगी तभी मैं अपनी रिस्पेक्ट करूंगी, अदरवाइज आई विल क्रिटिसाइज माई सेल्फ. अगर मेरा रिलेशनशिप अच्छा चल रहा होगा या सोसाइटी में मुझे अच्छा एक ओहदा मिल रहा होगा तभी आई विल लव माई सेल्फ, तभी मैं अपने आप को अप्रिशिएट करूंगी. नहीं, आप उस डायरेक्शन से बाहर आ चुके हो, आपको हो गया कि अब बस हो चुका है, जहाँ पर मैं हूँ मैं बहुत सही जगह पर हूँ, आई लव माई सेल्फ, आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट माई सेल्फ. जो भी मेरी लाइफ में चल रहा है इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी आएगा, you know, कोई भी अपनी बाउंड मेरी बाउंड्रीज क्रॉस करेगा, किसी भी तरीके से बिहेव करेगा, डिसरिस्पेक्ट करेगा और मैं उसे टॉलरेट करूँ, वो चीज़ अब नहीं होने वाली है. आप उस एनर्जी में अब आ रहे हो. आई एम ऑल्सो सीइंग दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग योर स्किल्स, यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग कि मेरे पास भाई ये स्किल्स हैं, मेरे अंदर भी एक टैलेंट है. हो सकता है कि मैंने वो चीज़ें पहले नहीं दिखाई, बिकॉज मैंने भी कभी अपने आप को उस चीज़ को लेकर अप्रिशिएट नहीं किया, बट इट डजेंट मीन कि वो चीज़ें मुझमें नहीं है. तो आप अपनी उस फुल एनर्जी में मुझे आते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हो पाइल नंबर टू. एंड विद दिस कार्ड ऑफ टेम्परेंस, द टेम्परेंस कार्ड इज शोइंग मी दैट यू आर बैलेंसिंग योर इमोशंस. हो सकता है आप लोग बहुत इमोशनल हो,
आपका मून 6 से 12 में हो सकता है, स्कॉर्पियो साइन में हो सकता है, या यू गाइज आर वेरी वेरी इमोशनल, केतु के साथ भी हो सकता है. आप दूसरों की एनर्जी बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेते हो एंड समवेयर यू आर वेरी सेंसिटिव कि हर किसी को आगे बढ़ के हेल्प करने की कोशिश करते हो आप लोग. बट नाउ यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि ठीक है, हेल्प करना अच्छी बात है दूसरों को, बट इट डजेंट मीन कि मैं अपनी हर एक चीज़ सेक्रीफाइस कर दूँ. हो सकता है आप उससे पहले अपनी लाइफ में बहुत कुछ सेक्रीफाइस कर रहे हो, जस्ट बिकॉज कुछ सोसाइटी की ऐसी चीज़ें हैं वहाँ पर आप फिट होने के लिए वो चीज़ें कर रहे हो बहुत टाइम से लाइफ में. आई एम सीइंग कि आप उस चीज़ से बाहर निकल रहे हो कि आप मुझे कहीं फिट नहीं होना है, मैं जैसा हूँ जैसी हूँ, मुझे अपने आप में खुश रहना है और मुझे उस चीज़ में खुशी ढूंढनी है. आई विल नॉट क्रिटिसाइज माई सेल्फ एनी मोर एंड आई रियली वॉन्ट टू क्रिएट हेल्दी बाउंड्रीज इन माई लाइफ. वो चीज़ मुझे यहाँ पे ये टेम्परेंस का कार्ड आपके लिए दिखा रहा है, दैट यू आर बैलेंसिंग योर सेल्फ. एंड लेट मी सी विद एंजल आंसर कार्ड्स, प्लीज एंजल्स क्या मैसेज है इनके लिए. वाओ, वी हैव द कार्ड ऑफ कम्युनिकेट क्लियरली. सो आप क्लियरली कम्युनिकेट कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स को, अपनी इमोशंस को, जो आप बहुत टाइम से छुपा रहे थे, नहीं बता रहे थे. आप में से कुछ लोगों को कोल्ड एंड कफ काफ़ी ज़्यादा रहता होगा, या साइनस का इशू हो सकता है, या कुछ ना कुछ थ्रोट रिलेटेड इशू भी यहाँ पर हो सकता है. बिकॉज कम्युनिकेट क्लियरली का कार्ड ये भी दिखाता है कि समवेयर आप लोग जो है अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करते, चीज़ों को बहुत होल्ड ऑन करते हो. तो या दिस इज वॉट इज हैपनिंग राइट नाउ एंड यूनिवर्स इज टेलिंग यू कि आप रिकवर कर रहे हो, यू आर हीलिंग एंड यू आर कमिंग इन टू दिस एनर्जी वेयर यू आर कम्युनिकेटिंग क्लियरली विद पीपल एंड दैट्स वाई इट ऑल हैपन्ड. अगर आप अपना अपने आप से अब तक ये पूछ रहे थे कि ये सब कुछ क्यों हुआ है, तो इसका रीजन यही था कि आप इस एनर्जी में आ पाओ. आपके फ्रेंड्स या कोई ना कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो आपको एज अ फ्रेंड लगे, जो आपको हेल्प कर सकता है, जो आपको सपोर्ट कर सकता है. यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है, हैप्पीनेस. यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस थिंग दैट यू नीड टू बी हैप्पी, यू नीड टू एक्सेप्ट द रियलिटी. यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि बहुत बार लाइफ में ऐसा होता है कि लोग हमें कुछ ना कुछ नेगेटिव बोल के चले जाते हैं, लाइफ में बहुत कुछ नेगेटिव हो जाता है एंड हम हर एक चीज़ को लेके इतना स्ट्रेस लेते हैं कि हम उस मोमेंट को एंजॉय नहीं करते. बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम जब पीछे मुड़ के देखते हैं ना अपने कॉलेज स्कूल टाइम पे, तो रियलाइज होता है कि यार वो टाइम कितना अच्छा था. बट अगर हम ध्यान से उस चीज़ को याद करें ना, तो याद आता है कि हम तब भी रो ही रहे थे, तभी भी हम चीज़ों को क्रिटिसाइज ही कर रहे थे कि अरे यार ये चीज़ ऐसी क्यों है या वो चीज़ ऐसी क्यों है. बट नाउ इट इज़ अ हाई टाइम फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एन्जॉय योर प्रेजेंट मोमेंट, बिकॉज यू नेवर नो कि आने वाले वक्त में क्या हो, और तब आपको लगे कि वो समय इतना अच्छा था जिसको मैंने कभी अप्रिशिएट नहीं किया या जिसको मैंने कभी इन्जॉय नहीं किया. तो यू हैव टू इन्जॉय योर लाइफ पाइल नंबर टू, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड अगर रीडिंग आपसे मैच करती है, आपको बहुत अच्छी लगी है, पसंद आई, आपको सुन के बहुत अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना, हो सकता है किसी और के काम भी आ जाए. और कमेंट सेक्शन बॉक्स के थ्रू मुझे जरूर बताइएगा अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो. एंड अगेन यू कैन कनेक्ट ऑन माई इंस्टाग्राम एज वेल टू गेट मोर रीडिंग्स. थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय, टेक केयर. हाय एवरीवन, तो जिन भी लोगों ने पाइल नंबर 3 चूज किया है, चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग. और जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, प्लीज क्लोज योर आईज. जिस भी एनर्जी गॉड अल्लाह में आप बिलीव करते हैं, उनको याद कीजिए और उनसे पूछिए कि व्हाट डू यू नीड टू नो राइट नाउ थ्रू दिस रीडिंग. प्लीज हनुमान जी हेल्प मी टू हेल्प पाइल नंबर 3, व्हाट डू दे नीड टू नो राइट नाउ. ओके, वी हैव द कार्ड ऑफ एम्प्रेस. हमारे पास यहाँ पर कार्ड है 7 ऑफ वॉन्ट्स का. वी हैव द कार्ड ऑफ किंग ऑफ वॉन्ट्स. वाओ, वी हैव द कार्ड ऑफ 3 ऑफ कप्स. ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है डेथ कार्ड. सो पाइल नंबर 3, व्हाट आई एम सीइंग ओवर हियर इज कि आपकी लाइफ में कोई चीज एंड हुई है, कोई ना कोई साइकिल आपकी लाइफ में अभी खत्म हुई है. ठीक है, कोई भी ये सिचुएशन हो सकती है, कोई भी यहाँ पे ये चीज़ हो सकती है, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरा बहुत ज़्यादा फोकस डेथ कार्ड पे नहीं जा रहा. रीज़न बीइंग फॉर दैट इज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत कुछ नई चीज़ें आ रही हैं जो यूनिवर्स आपको बताना चाहती है, आपसे शेयर करना चाहती है, डिस्कस करना चाहती है, क्योंकि ये एक बहुत पॉजिटिव चेंज मुझे आप लोगों की लाइफ में दिख रहा है. द व्हील इज शोइंग मी कि या तो आप लोगों की 7:30 शनि चल रही है, या शनि की बहुत टाइम से कोई दशा चल रही है, या फिर 2023 के अक्टूबर या नवंबर के फर्स्ट वीक में, मतलब नवंबर में आप लगा लो कि आपकी लाइफ में कोई शिफ्ट आया था, मेजर शिफ्ट, जब राहु केतु का ट्रांजिट हुआ था उस टाइम के आसपास. तो आई एम सीइंग ओवर हियर इज कि यहाँ पर आपकी एक साइकिल खत्म हुई है, समथिंग न्यू इज स्टार्टिंग इन योर लाइफ.
ऑल्दो आपको अभी ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में सिचुएशन सारी जो भी चल रहा है बहुत चैलेंजिंग है, हर जगह कंपटीशन है, हर जगह आपको डटना पड़ रहा है, लड़ाई झगड़ा करना पड़ रहा है, या बार बार आपको बहुत सारी ऑब्स्टिकल्स का सामना अपनी लाइफ में करना पड़ रहा है, ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है मुझे। लेकिन इनके साथ साथ ना पाइल नंबर 3 मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है, वी हैव द कार्ड ऑफ 3 ऑफ कप्स। 3 ऑफ कप्स मुझे यहाँ पर दिखा रहा है आप लोगों के लिए कि मैंने स्क्रीन थोड़ी सीधी कर दी, आई एम सो सॉरी। यूजुअली मेरी हमेशा स्क्रीन टेढ़ी मेढ़ी होती है, मुझे समझ नहीं आता है, इट ऑलवेज हैपन विद मी। तो या आई वॉज सेइंग कि विद दिस कार्ड ऑफ 3 ऑफ कप्स आई एम ऑल्सो सेइंग दिस थिंग कि येस यू आर फेसिंग चैलेंजेस इन योर लाइफ, बट एट द सेम टाइम बीच बीच में कुछ ऐसे मोमेंट्स आ रहे हैं जो हैप्पी मोमेंट्स भी है आपकी लाइफ के अंदर। 3 ऑफ कप्स मुझे यहाँ पर ये भी दिखा रहा है कि यूनिवर्स किसी ना किसी तरीके से आपकी लाइफ में थोड़ी बहुत यहाँ पर हेल्प भी भेज रही है। हो सकता है कि अब हेल्प का मतलब जरूरी नहीं होता कि यू नो यू हैव फ्रेंड्स, यू हैव फैमिली मेम्बर्स हु आर सपोर्टिंग यू। कुछ लोगों की लाइफ में वो हो सकता है कि वो पॉसिबल है कि आपकी लाइफ में ऐसे लोग हो, बट फॉर अदर्स व्हाट आई एम सीइंग थ्रू रील्स, थ्रू वीडियोज एंड थ्रू सम काइंड ऑफ पोस्ट ऑन सोशल मीडिया, यू आर गेटिंग सम काइंड ऑफ सपोर्ट एंड सम काइंड ऑफ वेरी पॉजिटिव एनर्जी, ओके, जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एम्प्रेस का कार्ड एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स इज वेरी पॉजिटिव ओवर हियर। किंग ऑफ वॉन्ड सॉरी एम्प्रेस का कार्ड मुझे यहाँ पर आप लोग के लिए दिखा रहा है पाइल नंबर 3, दैट आप अपनी लाइफ में ना कुछ नई चीज बिल्ड कर रहे हो या बिल्ड करने वाले हो बहुत जल्द। क्योंकि एम्प्रेस का कार्ड यहाँ पे एक तो मुझे बहुत गुड न्यूज दिखा रहा है बहुत लोगों की लाइफ में, अगर आप लोग सिंगल है या रिलेशनशिप में, मुझे आपका स्टेटस नहीं पता बिकॉज अगेन इट्स अ जनरल रीडिंग, बहुत जल्द आपकी लाइफ में कोई बहुत गुड न्यूज आने वाली है। सम ऑफ यू गाइज गोइंग टू गेट मैरिड सून। अब सून का जो मुझे यहाँ पर टाइम फ्रेम दिख रहा है वो 8 से 11 महीने के बीच में दिख रहा है, कि कुछ लोग की हो सकता है उससे पहले भी हो जाए, बट जिनके पास अभी कोई भी ऑप्शन नहीं है, मुझे 8 से 11 महीने यहाँ पर दिख रहा है आप लोगों के लिए, दैट समवन इज गेटिंग मैरिड और गोइंग टू फाइंड समवन। शादी का ज्यादा स्ट्रांग दिख रहा है, स्पेशली जो शादी की उम्र वाले लोग हैं। अगर आपकी शादी की उम्र की नहीं है अभी आपकी एज, तो यहाँ पे आपको एक बहुत अच्छा पॉजिटिव रिलेशनशिप बन सकता है जिसमें बहुत पैशन भी होगा, एट द सेम टाइम रिलेशनशिप स्टेबल भी होगा, वो चीज मुझे यहाँ पर दिख रही है। विद दिस कार्ड ऑफ किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड एम्प्रेस, आप में से कुछ लोग जो चीज आपको अभी समझ नहीं आ रही अपनी लाइफ के बारे में, वो ये है कि यू हैव सम काइंड ऑफ अ पर्पस इन योर लाइफ। पार्ट नंबर 3, कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में पर्पस है व्हेन इट कम्स टू योर करियर। मुझे नहीं पता एग्जैक्टली अभी आप क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर, बट आपकी लाइफ में एक ऐसा टाइम आएगा, या तो वो mid-30s में आ सकता है या उससे पहले आ सकता है, कभी भी वो टाइम आ सकता है जहां पर यू विल बी एट अ पोजिशन इन योर लाइफ वेयर यू विल बी अ लीडर, जहां पर आप एक लीडर होंगे। इट डजेंट मीन कि आप किस फील्ड में हैं, किस प्रोफेशन में हैं। लीडर मुझे यहाँ पर ये दिखा रहा है कि कोई एक ऐसा इंसान जिसको अपनी फील्ड की काफी नॉलेज हो चुकी है, काफी अच्छा एक्सपीरियंस उसने गेन कर लिया है उस जगह पे, वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं उसको, एंड वहां पे उसको एक अच्छी पोजीशन भी मिली है। आपके लिए पाइल नंबर 3, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी लाइफ में छोटी छोटी लॉसेस या चीजों की वजह से हार ना माने, क्योंकि ये कार्ड जो है ना, ट्रस्ट मी, आई डोंट नो आप कहाँ रहते हो, क्या कर रहे हो, बट यू हैव सम काइंड ऑफ पर्पस, एट द सेम टाइम यू गाइज आर लकी। आप अपनी लाइफ में किसी एक चीज को लेके बहुत लकी हैं यहाँ पे, शायद अभी वो आपको चीज दिखाई नहीं दे रही है, बट कुछ पास्ट लाइफ का कुछ अच्छा कर्म है जिसका अच्छा रिजल्ट आपको इस लाइफ टाइम में मिलने वाला है। कोई ऐसी चीज थी जो आपने पास्ट लाइफ में करी थी, वो पूरी नहीं हो पाई, ठीक है ना, वो पूरी नहीं हो पाई, लेकिन आपने वहां पे मेहनत करी, आपने वहां पे ईमानदारी से कोई चीज करी, काम किया जिसका अच्छा रिजल्ट, या कहते हैं ना कि पूर्वजों की एक अच्छी ब्लेसिंग आपको इस लाइफ टाइम में मिल रही है। हो सकता है आपकी लाइफ में ना बहुत सडन चेंजेस आते हो, सडन मेजर यू नो ट्रांसफॉर्मेशन होती हो आप लोगों की, मीन्स कि अभी आप ऐसे हो, एकदम से आप में इतना चेंज आ गया कि आसपास वाले लोग भी कह रहे हैं कि इस इंसान को क्या हो गया है, कि आपको खुद भी लगता है कि आप बार बार कितने ज्यादा चेंज हो जाते हो। बिकॉज दिस इज गिविंग मी एनर्जी ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन बिकॉज ऑफ द कार्ड ऑफ द व्हील एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स, जो दिखा रहा है कि लाइफ के चैलेंजेस के बेसिस पे आप अपने अंदर भी चेंजेस लेके आते हो, जो कि बहुत पॉजिटिव चीज है, जो कि बहुत अच्छी चीज है। सो यूनिवर्स इज ट्राइंग टू टेल यू दैट यू हैव अ वंडरफुल फ्यूचर, आपकी लाइफ में कोई बहुत अमेजिंग चीज है व्हेन इट कम्स टू योर लाइफ पर्पस, व्हेन इट कम्स टू योर डेस्टिनी। यस अभी आप अपनी लाइफ में कुछ चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं जिस वजह से आपको लग रहा है कि
यू नो किस्मत बहुत खराब है, क्या चल रहा है, क्यों हो रहा है मेरे साथ ही, ऐसा क्यों हो रहा है। पाइल नंबर थ्री के लिए प्लीज हनुमान जी क्या बताना चाहते हैं, वट डू दे नीड टू नो राइट नाउ। वी हैव द कार्ड ऑफ किंग ऑफ वॉन्ड्स, यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ, यू नीड टू लव योर सेल्फ। पाइल नंबर थ्री, येस समथिंग हैपेंड इन योर पास, बहुत कॉम्पिटिशन चैलेंजेस, चैलेंजिंग एक सिचुएशन आपकी लाइफ में अभी रही है जहाँ पर आप बहुत अपसेट हो, जिस चीज़ से आपको अभी आगे लाइफ में मूव करना पड़ रहा है। और ये सिचुएशन कोई भी हो सकती है, ये हो सकता है कोई रिलेशनशिप हो सकता है कि आपके दोस्तों में आपके कुछ मतभेद हो गए हैं, कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो गए हैं, जिस वजह से यू नीड टू मूव फॉरवर्ड, या आपकी फैमिली में कुछ ऐसा इशू हुआ है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि किसी प्रॉब्लम में आपको डाल के वहाँ से आपको निकाल के यूनिवर्स आपको एक ऐसी जगह पे छोड़ रहा है, जैसे कि होता है ना कि पहले आपको समुद्र में फेंका, फिर वहां से निकाला और फिर आपको बिल्कुल एक सुंदर से आइलैंड पे छोड़ दिया। समथिंग लाइक दैट इज व्हाट आई एम सीइंग ओवर हियर, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि एक सडन एनर्जी है जहां पर आपको समझ नहीं आ रहा है कि एकदम से क्या चेंज हुआ, बट यू आर बीइंग फोर्स्ड टू लीव समथिंग बिहाइंड। आपको फोर्स किया जा रहा है कि किसी तरीके की सोच को, कोई डिजायर को, कोई सपने को, इमोशन को आपको पीछे छोड़ के लाइफ में आगे बढ़ना है, जो कि आपके लिए बहुत ईजी सिचुएशन नहीं है, जिसके लिए आप बहुत हर्ट हो, आप नहीं चाहते हो थे उसको छोड़ना, या हो सकता है आप बहुत टाइम से किसी एक करियर में थे, किसी रिलेशनशिप में थे, या किसी चीज़ में बहुत एफर्ट डालने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि आपको लगता था कि ये बेस्ट है, इसी में ही आपको रहना है। बट कुछ ना कुछ ऐसा हुआ कि मजबूरन आपको उस चीज़ से आगे अपनी लाइफ में बढ़ना पड़ रहा है। बट वट एवर हैपन्ड, इट इज़ टेकिंग यू, आप देखो तो ये आपको उस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। यू कैन सी द रेड कलर ओवर हेयर, मुझे रेड येलो यहाँ पे बहुत दिख रहा है, रेड मुझे पैशन दिखा रहा है, येलो मुझे यहाँ पे कॉन्फिडेंस एंड स्टेबिलिटी दोनों ही दिखा रहा है। मुझे यहाँ पे एक सन की एनर्जी और मार्स की एनर्जी बहुत स्ट्रांग आ रही है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सारी चीज़ें आपको एक ऐसा इंसान बना रही हैं। आप में से कुछ लोगों का लाइफ पाथ नंबर वन हो सकता है, या न्यूमोलॉजी नंबर मुझे यहाँ पे वन दिखाई दे रहा है, बहुत स्ट्रांग नाइन हो सकता है, थ्री और सिक्स, दिस इज व्हाट आई एम सीइंग। समवन जो कि बहुत अपनी एक एनर्जी में आ रहा है, उसका ऑरा इतना स्ट्रांग हो रहा है दैट इन द फ्यूचर यू आर गोइंग टू अट्रैक्ट लॉट ऑफ पीपल इन योर लाइफ। ऐसा मुझे दिख रहा है कि आपकी वजह से बहुत लोगों की लाइफ में चेंज आएगा। कुछ आप ऐसा करोगे, कोई भी आप ऐसा काम करोगे जिसकी वजह से लाइफ में बहुत दूसरे लोगों की लाइफ में चेंज आएगा। अब जरूरी नहीं है कि आप करियर में ही कोई चीज़ कर रहे हो, आपकी खुद की पर्सनालिटी में कुछ ऐसा चेंज आएगा जिसको देख के लोगों को लगेगा कि अरे यार इस इंसान ने अपनी लाइफ को कहाँ से कहाँ कर लिया, तो ये चीज़ मैं भी कर सकता हूँ अपनी लाइफ में। तो आप दूसरों की लाइफ पे बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट डालने वाले हो पाइल नंबर थ्री, और ये यूनिवर्स आपको बताना चाह रही है, और इस वजह से आपकी लाइफ में इतनी उथल पुथल या सिचुएशंस चल रही है, जो कि आप मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स के थ्रू बताओगे, क्योंकि मुझे बहुत प्रोमिनेंट तरीके से यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड इफ यू कैन सी वी हैव द कार्ड ऑफ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स, जिस पे नजर मेरी अभी गई है, पहले नहीं गई थी, तो विच इज अगेन शोइंग मी दैट सम ऑफ यू गाइज आर गोइंग टू मीट समवन। इफ यू आर वेटिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम दैट यू गाइज आर सिंगल, आपको ये है अब कब मिलोगे, कहाँ मिलोगे, शादी नहीं हो रही है, तो वट एवर इज हैपनिंग राइट नाउ, यूनिवर्स इज प्रिपेयरिंग यू टू मीट दिस पर्सन। यूनिवर्स आपको प्रिपेयर कर रही है ताकि आप अपने पर्सन से मिल सको, आप उस पॉजिटिव एनर्जी में आ सको, बिकॉज आपके जो पार्टनर है, आई डोंट नो आपका क्या जेंडर है, बट आपके जो पार्टनर है वो बहुत कॉन्फिडेंट है, बहुत पर्सनैलिटी उनकी बहुत स्ट्रांग है, बहुत चार्मिंग पर्सन है, वो बात करते हैं तो हर कोई उनको पलट के देखता है, यू नो दे हैव दैट लीडरशिप क्वालिटी। सो यूनिवर्स इज ऑल्सो हेल्पिंग यू टू बी इन दैट एनर्जी सो दैट यू कैन कनेक्ट दैट पर्सन सून, एंड इसलिए आपकी लाइफ में ये चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं। प्लीज हनुमान जी आप इन्हें क्या बताना चाहते हैं, वॉट डू दे नीड टू नो राइट नाउ। वी हैव द कार्ड ऑफ ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस, एज आई सेड कि ये चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही है, क्राउन चक्रा, यू गाइज आर ऑल्सो इंट्यूटिव पाइल नंबर थ्री, एंड समथिंग इज हैपनिंग इन टू योर लाइफ विच इज एक्चुअली हेल्पिंग यू टू ग्रो ऑन अ स्पिरिचुअल लेवल, एंड अगेन वी हैव द कार्ड ऑफ मूविंग ऑन, एंड ये हमारे पास एट ऑफ कप्स भी आया था, तो आप किसी चीज से आगे मूव करके यू आर मूविंग टूवर्ड सम काइंड ऑफ अ चेंज इन योर लाइफ, एंड आप देखो कि ये इंसान अंधेरे से लाइट की तरफ जा रहा है। सेम चीज़ आपकी लाइफ में यहाँ पर हो रही है, जो यूनिवर्स आपको बता रही है कि ये जो ऑब्स्टिकल्स आ रही है ना, वी हैव द नंबर फाइव, नंबर पाँच मुझे यहाँ पे चेंज दिखा रहा है कि ऑब्स्टिकल्स की वजह से आपकी लाइफ में चेंज भी आ रहा है, जो कि पॉजिटिव चेंज है। वी हैव द कार्ड ऑफ फॉरगिवनेस, सो फॉरगिवनेस का कार्ड हमें यहाँ पे ये दिखाता है कि यू नो समटाइम्स इट इज इम्पॉर्टेंट कि
हम दूसरों के साथ साथ ना अपने आप को भी माफ़ करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस होती है कि हम बहुत गिल्टी फील करते हैं और हम अपने आप को क्रिटिसाइज करते हैं कि अरे यार, अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता ना तो ये चीज़ नहीं होती, या मैंने उस टाइम पे इसकी बात सुनी होती तो शायद ये चीज़ बेटर हो चुकी होती। बट लेट मी टेल यू समथिंग वेरी क्लियरली, लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन पर आपका कंट्रोल नहीं है और जो होगी ही होगी। आप कोई भी उसमें तिकड़म लगा लो, कोई भी आप चीज़ कर लो, बट जो चीज़ होनी है वो होगी। तो स्टॉप ब्लेमिंग योर सेल्फ फॉर दैट थिंग, बिकॉज व्हाट आई एम सीइंग ओवर हियर विद दिस कार्ड ऑफ फॉरगिवनेस, कि जो कुछ भी पास में आपकी हुआ है वो आपके डेस्टिनी में लिखा था, वो होना था। तो स्टॉप फीलिंग गिल्टी, बिकॉज उस सिचुएशन की वजह से ही आपका जो माइंड सेट बना है वो सिर्फ उस सिचुएशन की वजह से बना है। वो सिचुएशन नहीं होती तो जहाँ आप अभी हैं आप नहीं होते। शायद करेंटली आप जहाँ पर अभी हैं वो आपको जगह पसंद नहीं आ रही या समझ नहीं आ रही या आप खुश नहीं हैं, बट आगे जाके यू विल अंडरस्टैंड कि जो कुछ भी हुआ अच्छे के लिए हुआ, एक अच्छे रीजन के लिए हुआ। ग्रीफ, यस आई अंडरस्टैंड दैट लूजिंग समथिंग इज एन अपॉर्चुनिटी टू अप्रिशिएट इट। कोई चीज आपकी लाइफ से जा रही है पाइल नंबर 3, बट समथिंग एल्स इज कमिंग इन योर लाइफ एंड राइट नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बी ऑनेस्ट अबाउट इट। बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि आप थोड़ा सा ऑनेस्ट रहे चीज़ों को लेके, एंड यू विल सी लॉट ऑफ चेंज विल कम इन योर लाइफ एट अ परफेक्ट टाइमिंग। देयर इज समथिंग बेटर, सो यूनिवर्स इज टेकिंग यू टूवर्ड्स समथिंग बेटर इन योर लाइफ पाइल नंबर 3। एंड यू वॉन्ट बिलीव जितने कार्ड्स मैंने पाइल नंबर 3 में निकाले मैंने बाकी 2 पाइल्स में नहीं निकाले, बिकॉज पाइल नंबर 3 में मुझे इतनी स्ट्रांग एनर्जी फील हो रही है एंड यू वॉन्ट बिलीव कि मेरा मन कर रहा है कि मैं बस बोलती जाऊँ, बट समवेयर यू नो आई एम जस्ट ट्राइंग टू कंट्रोल माई सेल्फ बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बट या आपकी एनर्जी इतनी स्ट्रांग इस टाइम आ रही है, मीन्स कि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा चेंज या कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ चल रही है जो कि बहुत स्पीड से चल रही है, जैसे कि किसी की मरकरी की दशा चल रही हो या मरकरी का इंपॉर्टेंट रोल हो, कुछ ना कुछ हो रहा है बहुत स्पीड से हो रहा है आपकी लाइफ में दैट इवन यू आर नॉट एबल टू फुली एबल टू अंडरस्टैंड इट। ओके एंड डू लेट मी नो थ्रू कमेंट सेक्शन बॉक्स, क्योंकि ये चीज़ मुझे दिख रही है एंड वेन इट कम्स टू परफेक्ट टाइमिंग एंड देयर इज समथिंग बेटर। सो अगेन आई एम गेटिंग दिस मैसेज ओवर हियर दैट यू हैव अ डेस्टिनी पाइल नंबर 3 एंड इन योर डेस्टिनी या तो लव लाइफ को लेके, करियर को लेके कुछ बहुत ही मेजर चीज़ आपकी लाइफ में लिखी गई है कि वो चीज़ आपको मिलेगी ही मिलेगी, जो अच्छा कर्म है आपकी पास्ट लाइफ का, बार बार ये मैसेज आ रहा है। एंड येस अभी वो चीज़ आपको नहीं दिख रही, नहीं समझ में आ रही, बट यूनिवर्स इज टेकिंग यू टुवर्ड दैट थिंग और वो परफेक्ट टाइमिंग में आपकी लाइफ में वो चीज़ आ रही है जो बहुत अच्छी है अभी की चीज़ों से। आई टोटली अंडरस्टैंड दिस थिंग कि आपको अभी नहीं समझ में आ रहा, बट जस्ट हैव पेशेंस एंड ट्रस्ट, हैव पेशेंस एंड ट्रस्ट एंड सून यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग इन योर लाइफ, बिकॉज आई एम जस्ट सेंसिंग दिस एनर्जी कि आपको नहीं समझ में आ रहा कि क्या हो रहा है, आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो और क्या चल रहा है। बट येस आप एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हो, सो बी हैप्पी, लव योर सेल्फ एंड रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, हो सकता है किसी और के भी काम आ जाए, उसका भी दिन बन जाए। एंड इफ यू वॉन्ट अ पर्सनल पेड रीडिंग एस्ट्रोलॉजी जिसमें इंक्लूडेड हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके करा सकते हैं बिल्कुल। आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर आपको यूजर नेम दिखाई दे रहा होगा। एंड डू लेट मी नो थ्रू कमेंट सेक्शन बॉक्स अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय, टेक केयर।